नमस्कार, जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्त पंत। 19 जनवरी को भारतीय इतिहास में वीर सपूत और मराठा समाज के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती को मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर हर साल शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस को देखते हुए शोभा यात्रा नहीं निकालने का फैसला लिया गया था। जयंती समारोह बुढ़ेश्वर मंदिर स्थित सभागृह में संपन्न की जाएगी। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी एक महान देशभक्त होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को मराठा परिवार में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इस साल देश भर में उनकी 391वीं जयंती मनाई जा रही है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले सेनापति थे और उनकी माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव की थी। शिवाजी का पालन पोषण धार्मिक ग्रंथ सुनते सुनते हुआ था। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। उनके अंदर बचपन में ही शासक वर्ग की क्रूर नीतियों के खिलाफ लड़ने की ज्वाला जाग गई थी और दादा कोणदेव के संरक्षण में शिवाजी सभी तरह की सामुदायिक युद्ध आदि विधाओं में भी निपुण हो गए थे। शिवाजी महाराज बहुत वीर थे। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी लोगों में जोश भर देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा थे और सन 1630 से 1680 तक भारत के राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वो छत्रपति बने। शिवाजी को भारत के एक महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार के रूप में भी देखा जाता है। शिवाजी ने गोरिल्ला वॉर की एक नई शैली विकसित की थी और राजकाज में फारसी की जगह मराठी और संस्कृत को अधिक प्राथमिकता दी थी। उन्होंने मुगलों की ढेर सारी संपत्ति और सैकड़ों घोड़ों पर अपना कब्जा जमा लिया था। बताया जाता है कि 1680 में कुछ बीमारी की वजह से अपनी राजधानी पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ में छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके बेटे संभाजी ने राज्य की कमान संभाल ली थी। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए आप जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़िए और ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।